कुछ ऐसी फिल्में जिन्हें 100-200 नहीं बल्कि 700 से 800 करोड़ का चूना लगा था। अमेजिंग नॉलेज के लिए द फैक्टिंग को अभी फॉलो सब्सक्राइब कर लेना। फ्लॉप फिल्में सिर्फ इंडियन सिनेमा नहीं बल्कि हॉलीवुड भी देता है। आपको होता है कि हॉलीवुड की फिल्म मार्स नीड मॉम को 1188 करोड़ के बजट में बनाया गया था, जो सिर्फ 309 करोड़ का कलेक्शन करके फ्लॉप साबित हुई थी, जिसे 8.871 करोड़ का घाटा हुआ था। 2001 में हॉलीवुड की फिल्म टाउन एंड कंट्री रिलीज होती है, जिसे 832 करोड़ के बजट में बनाया गया था, जो सिर्फ 82 करोड़ का कलेक्शन कर फ्लॉप साबित हुई थी, जिसे 744 करोड़ का चूना लगा था। आज तक आपको कितना बड़ा चूना लगा है कमेंट में जरूर बताओ, और वीडियो को लाइक जरूर करना।